नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव कल। ग्राम बुढ़ीना खुर्द जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत व जिला पंचायत व बीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। मैंने ग्राम बुढ़ीना खुर्द के जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार डॉक्टर अरशद सलमानी से हमारे संवाददाता की बातचीत। जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कैमरामैन सैयद हुज्जत मेहंदी के साथ स्टेट हेड सैयद हादी हसन नकवी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सैयद हादी हसन इंडिया न्यूज 28 से कैमरामैन सैयद हुज्जत मेहंदी के साथ। जैसा कि आप सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत और ज़िला पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर हो चुके हैं और कहीं पर कल होने वाले हैं। इसी सिलसिले से मैं यहाँ ग्राम बुढ़ीना खुर्द में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ज़िला पंचायत सदस्य पद के लिए हमारे सामने डॉक्टर अरशद सलमानी हैं, इनसे चंद सवाल करने के लिए मैं आया हूँ। देखते हैं कि इस इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। लिहाजा मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है और आप जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो आप ये बताइए आपका मेन मुद्दा क्या होगा इस इलेक्शन में? जी, मैं वार्ड नंबर 15 जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जो है नामांकन किया हुआ है और मेरा मेन मुद्दा रहेगा रोटी कपड़ा और मकान, बिजली सड़क और पानी, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये हर आदमी अगर आप जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र को क्या देंगे? जीतने के बाद मैं अपने क्षेत्र को सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी, जितनी भी सरकारी योजना है मेरे क्षेत्र के हर एक पात्र व्यक्ति तक वो सरकारी योजना पहुँचेगी। आप इस चुनाव में क्या महसूस कर रहे हैं, कहीं दबाव में चुनाव तो नहीं हो रहा है? इस बार मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराने का काम किया है। हर एक प्रत्याशी निडर होकर बिना किसी दबाव के बिना प्रेशर के चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। चुनाव में पैसा बल ताकत धन सबका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो पूरा प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारा चुनाव आयोग, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारा प्रशासन गाइडलाइन दे रहा है, कुछ प्रत्याशी फॉलो कर रहे हैं, पर कहीं कहीं पैसे का भी और शराब का भी वितरण किया जा रहा है, वो गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रत्याशी इस तरह की कर रहे हैं, जनता को खरीदने का काम कर रहे हैं, जनता को फैलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप जीत जाते हैं तो आपके अधीन क्या क्या कार्य आते हैं, क्या क्या आप करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या बच्चों पर कोई ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, सड़कों पर, रास्तों पर, घरों पर, आप क्या विकास करने की सोच रहे हैं या क्या कर सकते हैं जीतने के बाद? यदि मुझे जीतने के बाद मौका मिलता है, जनता मुझे ये मौका देती है क्योंकि जनता के हाथ में सारा फैसला है, तो मैं जो मेरा क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत 13 गांव आते हैं जिसमें बुढ़ीना खुर्द जिसका मैं निवासी हूँ निर्धना है हमारा, नसीरपुर है, लड़वा है, ढोला ढोली है, जफरपुर है, खुशरोपुर है, कुलहेड़ी है और नगला राई है। सभी क्षेत्रों में सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो सड़क का कार्य है, जो अभी भी कच्ची सड़कें पड़ी है, चाहे वो जंगल की हो, चाहे वो आम रास्ता हो या किसी बड़ी सड़क से जुड़ने वाला हो, अगर कहीं सड़कों पर खड्डे हैं या कच्ची सड़क है तो उनका पक्का कराने का काम किया जाएगा क्योंकि हर आदमी की जरूरत है और क्षेत्र में चारों तरफ काली आरसीसी की सड़कें बनाने का काम करेंगे और जिन जगह पर जरूरत है नलकूप की वहाँ नलकूप देने का काम करेंगे, खासकर इलेक्ट्रिसिटी पर काम करेंगे। मैंने सुना है डॉक्टर साहब, गांव बुढ़ीना खुर्द में आप बहुत ही सस्ती दवाई और सस्ते में इलाज करते हैं, क्या ये बात सच है? और जैसा कि मैंने सुना भी है कि ग्राम बुढ़ीना खुर्द के ज़्यादातर मरीज आपके पास आते हैं क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कहाँ से खर्च करेंगे, आप बहुत सस्ते में उनका इलाज कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है, ज़रा ये बताइए। जी, चंद सेकंड में बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं सर्वधर्म कल्याण समिति के नाम से एक NGO चलाता हूँ और उसके माध्यम से मैं जितने भी गरीब लोग हैं मेरे, चाहे वो ग्राम के हो चाहे आसपास के ग्राम के हो, सभी को मात्र 5 रुपये में दवाई देने का काम करते हैं और खासकर रमजान में कावड़ के समय में दवाई फ्री वितरण करने का काम करते हैं सर्वधर्म कल्याण समिति की ओर से। आप आखिर में अपने 2 शब्द रखिए कि आप और क्या कहना चाहते हैं जो आपके जहन में हो, आपके दिल में हो, और दो सेकंड के लिए आप अपनी बात रखिए। मैं सबसे पहले युवाओं के रोज़गार और युवाओं की शिक्षा के लिए जोर देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसके बाद उनको इस लायक करें कि वो अपने माता पिता, गांव का नाम, अपने कस्बे, शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे सामने डॉक्टर अरशद सलमानी। मैं सैयद हादी हसन नकवी, उत्तर प्रदेश हेड इंडिया न्यूज़ 28, कैमरामैन हुज्जत मेहंदी के साथ। धन्यवाद।